नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग दोस्तों दस दस स्टॉक्स नहीं बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स में भी हो सकता है मैं यहां पर एक रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा एक्सिस डायरेक्ट भारत के एक बहुत बड़े ब्रोकर और साथ ही जो रिसर्च हाउस है एक्सिस डायरेक्ट है ना उसका एम भी उन लोगों का होता है एक्सिस वगैरह है ना आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड भी वो लोग चलाते हैं अपना ब्रोकर भी बहुत बड़ा है वो तो उन्होंने मई मंथ 2024 के लिए एक टॉप पिक्स अपना उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बारे में पूरा रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया है वो रिसर्च रिपोर्ट मैं वीडियो में लगा दूंगा लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे ये देखें कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने जिसको उन्होंने मई मंथ 2024 के लिए सेलेक्ट किया हुआ है ठीक है इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है वो सारे एक्सिस वालों का किया हुआ है तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस रिपोर्ट पे जाते हैं देखिए पूरा अट्ठासी पेज का एट्टी पेज का वो रिपोर्ट है ठीक है आप यहाँ पे देख रहे हैं एट्टी पेज का पूरा रिपोर्ट है और यहाँ पे पूरा सीरियल वाइज है लेकिन सबसे पहला क्या है एक्सिस सिक्योरिटीज टॉपिक्स जब उस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे कि अलग अलग कैटेगरी से इन्होंने सेलेक्ट किया जैसे लार्ज कैप को रखा है मिड कैप को रखा है और भी है स्मॉल कैप लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों सेक्टर कैटेगरी को सेलेक्ट किया और उसमें इन्होंने टारगेट कि किया है वो है आईसीआईसीआई बैंक फाइनेंशियल सेक्टर से सेलेक्ट है और इनका अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो ग्यारह चल रहा है टारगेट प्राइस है, रूपए कितने परसेंट का ये अपसाइड देख रहे हैं कि मई मंथ में मिल सकता है वो है पंद्रह परसेंट का और बारह मंथ का अगर पी देखें तो वो लगभग का चल रहा है।, का वाला वो देखते है बुक वैल्यू और तो वो का है। ये सब है, ये सब बात की चीज है लेकिन इन्होंने टारगेट क्या रखा है वो समझिए तेरह रुपए का टारगेट इन्होंने दिया पंद्रह अपसाइड ये पोटेंशियल देख रहे हैं कोल इंडिया अगला स्टॉक इन्होंने रखा है और वो मेटेरियल सेक्टर से जिसमें चार अभी प्राइस चल रहा है करेंट 510 का ये टारगेट दे रहे हैं नेशनल इंडिया की बात करें इन्होंने सेलेक्ट किया कंज्यूमर से और दो रुपए का भी भाव चल रहा है 2880 का ये टारगेट रख रहे हैं 15 परसेंट का अपसाइड ये भी देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप सेलेक्ट किया है इन्होंने और फाइनेंशियल सेक्टर से 826 का भाव है नौ रुपए का ये अपसाइड मूवमेंट देख पा रहे हैं 920 का टारगेट लगभग 11 परसेंट अपसाइड ये अभी भी देख रहे हैं वरुण बेवरेजेस को फिर इन्होंने सेलेक्ट किया है कंज्यूमर स्टेपल से 1480 के आसपास का भाव है 1650 का ये टारगेट दे रहे हैं बारह परसेंट का मूवमेंट ये यहाँ से भी देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहे हैं लार्ज कैप से फाइनेंशियल में सेलेक्ट किया दो सौ है और तीन इनका टारगेट है बारह अपसाइड पोटेंशियल ये देख पा रहे हैं भारतीय एयरटेल लार्ज कैप से इन्होंने सेलेक्ट किया है तेरह सो बाईस का सीएम पी है पंद्रह सो बीस का टारगेट दे रहे हैं है। इसके बाद लार्ज कैप से अंतिम स्टॉक इन्होंने सेलेक्ट किया टीवीएस मोटर को और इसमें इन्होंने दो हजार साठ का भी सीएम पी चल है, रहा है टारगेट इन्होंने तेईसो पचास रुपए का रखा है दो हजार तीन सौ पचास का चौदह परसेंट फोर्टीन परसेंट का पोटेंशियल अपसाइड ये देख रहे हैं लार्ज कैप के बाद इन्होंने मिड कैप में भी सिलेक्ट कर रखा है देखिए पूरा डिटेल है इस रिसर्च uh, रिपोर्ट में वो इसको मैं टैग कर दूंगा आप वहां पर से ये पीडीएफ देख सकते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा लेकिन आपको वो पढ़िएगा अगर आपको समय मिले तो जरूर पढ़िएगा पता भी तो चले ऐसा ये क्यों कह रहे हैं ना मैं फिलहाल स्टॉक्स इन्होंने जो रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा टीबीएस मोटर हो गया हाँ मिड कैप से और औरबिंदो फार्मा को सेलेक्ट किया इन्होंने हेल्थ केयर में है का सीएमपी है और बारह का ये टारगेट दे रहे हैं दस परसेंट पोटेंशियल देख रहे हैं लूपिन को रखा है, 1646 का सी का पी है टारगेट 1815 दे रहे दस परसेंट का अपसाइड पोटेंशियल है फेडरल बैंक रखा है इन्होंने मिड कैप से एक का सीएम 180 का टारगेट और ग्यारह परसेंट का मूवमेंट ये देख पा रहे हैं। इसके अलावा क्रेडिट एसेस ग्रामीण अंतिम स्टॉक है 1508 का सीएमपी है 1970 का टारगेट दे रहे हैं इकतीस थर्टी वन परसेंट का पोटेंशियल है सबसे ज्यादा पोटेंशियल ये क्रेडिट एस एस ग्रामीण में ही दिखा रहे हैं कि इकतीस परसेंट का अभी भी मूव बचा हुआ है जे टी एल इंडस्ट्रीज इन्होंने रखा है दो सौ का सीएमपी है दो का टारगेट दे रहे हैं और अठारह का ये अपसाइड पोटेंशियल अभी भी ये देख रहे हैं इसके अलावा सी आई ऑटोमेटिव अब स्मॉल कैप में आ गए कंज्यूमर भी आप देखते हैं ये कंज्यूमर वाले में से आता है सी आई ऑटोमेटिव चार सौ इक्यानवे का आपका सीएम पी है पांच सौ पैंसठ का टारगेट पंद्रह परसेंट ये अपसाइड मूवमेंट देख रहे हैं वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड देख लेते हैं आठ सौ अड़तालीस का इन्होंने सॉरी सी एम पी रखा है अभी सीएम तो पी चल रहा है नौ सौ तीस का इन्होंने टारगेट रखा है दस परसेंट का पोटेंशियल देख रहे हैं पी एन सी इन्फ्राटेक इन चार सौ उनचास का सीएम पी है और पांच सौ दस का ये टारगेट दे, दे रहे हैं लगभग चौदह परसेंट का ये मूवमेंट दे रहे हैं दिखा रहे है कि आ सकता है सबसे ज्यादा ये क्रेडिट एसेस में दिखा रहे क्रेडिट एसेस लगभग लगभग थर्टी वन परसेंट का मूव मिल सकता है तो ये है एक्सिस डायरेक्ट द्वारा पेश किया गया वो स्टॉक्स टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स में बता देता हूं तीन तीन छह दो आठ इधर हो गए दो दस दो बारह और एक दो तीन चार एक दो तीन चार बारह चार सोलह स्टॉक्स हो गए ठीक है कब ये पब्लिश किया था देखिए इन्होंने लिखा था सीएमपी कब का ये दिखा रहे हैं इन्होंने सीएमपी कब का उठाया 30 अप्रैल 2024 का उठाया हुआ है क्लियर है बहुत बढ़िया अब आप ये दे, देखेंगे ध्यान से कि इसके क्यों ऐसा सेलेक्ट किया गया है तो पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया इस इस पीडीएफ में पूरा का पूरा क्या है इक्वल वेट है ओवर वेट है कौन सा सेक्टर मूव करेगा नहीं करेगा कैसा आउटलुक है ये सारे चीजों को पूरा का पूरा यहाँ डिटेल उन्होंने समझा है तो मैं ऐसा करता हूँ ये पूरा का पूरा ये लगा देता हूँ इस डिस्क्रिप्शन में आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं ठीक है ना इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा रिसर्च रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाकी वो जो सोलह स्टॉक्स है वो मैंने आपके सामने एक्सीज डायरेक्ट का रख दिया है दोस्तों ठीक है तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद